आराट मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, भोपाल की इस धरती पर 84 मंडली श्री चक्र संस्कृत का महामंडल विधान से ऐतिहासिक धर्म प्रभावना करते हुए पूज्य गुरुदेव यहाँ के विभिन्न कोलियों में धर्म प्रभावना करते हुए आज मध्याह्न समय साकेत नगर में आपका पदार्पण हुआ। बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ साकेत नगर वासियों ने पूज्य गुरुदेव का यहाँ मंगल प्रवेश किया, जो आपके उत्साह और उमंग का मैं बहुत नमन करता हूँ। बंधुओं, मुझे आपके उत्साह और उमंग को चलिए, और आज यहाँ जितने आज यहीं साकेत नगर के जिनालय परिसर में आज का यह शंका समाधान कार्यक्रम आयोजित है। आज के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी लोगों का तथा उन सभी दर्शकों श्रोताओं का जो यहाँ आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं साकेत नगर की जैन समाज या समस्त भोपाल की जैन समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर, इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीष से अपने को अभिषेक करेंगे। बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की। सब लोग अपने अपने मोबाइल बंद कर दें। चलिए, और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रीना सिंह ही भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर संभव जैन भोपाल। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी ऐसी ना कोई मंदिर में अच्छा बड़ा प्रोग्राम होता है, और कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, या तो हम मंदिर आ पाते हैं या बच्चे आ सकते हैं, या सासू माँ मंदिर आ सकती है या बहू आ सकती है, तो फिर हम ना किनको प्राथमिकता दें, या हम आए या बच्चों को भेजें या मम्मी जी को भेजें या बहू आए। बहुत अच्छा सवाल है, हंसने की बात नहीं है, इसमें थोड़ी उदारता अपनानी चाहिए और प्रयास ऐसा करना चाहिए जिनकी कम रुचि है, अगर उनके मन में उमंग जग रही है तो उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर सास देख रही है कि बहू के मन में पहली बार भाव आया है, तो बहू से खुद कहे कि बेटा आज घर का काम मैं कर लूँगी, महाराज आए तो चले जा। बच्चे अगर आने के लिए उत्साहित हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इससे घर की व्यवस्था बिगड़ गई, तेरा मन हो रहा जा, हम तो देख लेंगे, यहीं से काम कर लेंगे। हमें इतनी उदारता अपनानी चाहिए, और ऐसा अपनाने से उनके अंदर भी रुचि बढ़ जाएगी, और एक बार उनकी रुचि जग गई तो घर में सामंजस्य भी बनेगा। लेकिन होता यह है कि सब अपने लोभ में रहते हैं कि हम ही ले तुम जाना, तो गड़बड़ होता है, फिर जो पीछे वो पीछे ही रह जाते हैं। धर्म मार्ग में हमेशा औरों को आगे रखने का उत्साह रखना चाहिए। डॉक्टर संभव जैन भोपाल तैयार रहेंगे। नितिन जैन मुरैना। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, वर्तमान में घटती हुई जैन समाज का कारण शिक्षा से प्रारंभ होता है। शिक्षा के क्षेत्र में अधिक कंपटीशन उम्र को बढ़ा देता है, देश को छोड़ा देता है, प्रजनन क्षमता को घटा देता है, धर्म में रुचि को हटा देता है। तो क्या गुरुवर हमें शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, और समाज को किस प्रकार आगे आना चाहिए ताकि धर्म और समाज दोनों समृद्ध बने रहे। देखिए, जो सवाल आपने उठाया है, इस सवाल पर अक्सर चर्चा होती है, शिक्षा और गुरुवर हम कुछ करना चाहते हैं इसमें। शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था पर अनेक बार चर्चा हुई, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम जैसे युवा इस क्षेत्र में प्रेरित होकर कुछ करना चाहते हो। हम लोगों को इसके लिए आगे बढ़ना होगा और पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए एक बीड़ा उठाना होगा, लेकिन ये बड़ा कठिन कार्य है, बहुत दुस्साध्य है। जब तक एक प्रकार से कहते हैं ना, बोन मेरो नहीं बदले तब तक काम नहीं होगा। रग रग में हमारी जो अंग्रेजों के द्वारा थोपी गई शिक्षा पद्धति हावी हो गई, वर्तमान में सरकार भी उसी नीति को आगे बढ़ा रही है। तो ये शिक्षा के नाम पर कुशिक्षा है, इसे हम जब तक ठीक नहीं करें तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। ये तभी संभव होगा जब पूरे देश में एक प्रकार का आंदोलन छिड़े शिक्षा, वर्तमान शिक्षा के परिवर्तन को लेकर। लेकिन आप जैसे दो चार दस लोग परसेंट तो शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ,
कतिपय लोग ही इस तरह की बातों पर थोड़ी बहुत चिंता व्यक्त करते हैं, और उनमें भी ज्यादातर मंचों में ही चिंता व्यक्त करते हैं, बाकी तो नीचे जाने के बाद वहीं हो जाते हैं। उसमें तुम शामिल नहीं होगे मैं ऐसा मानता हूं, लेकिन बहुधा ऐसा होता है। इसलिए जो होना चाहिए वो नहीं हो सकता। यद्यपि मैं इस बात को लेकर निराश नहीं हूं, लेकिन हमें इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। ये ज्वलंत समस्या है, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हमने बहुत कुछ खो दिया और आगे जो बचा है वो भी खो जाएगा। गुरुवर, हम उसके लिए तैयार हैं, और जो लगेगा उसको ये पूरे सहयोग के लिए तैयार हैं, और वो आंदोलन लाना चाहते हैं। बहुत सुंदर, ये भावना है हमारे अंदर, वो आंदोलन हम ला खड़ा करें उसको। बहुत सुंदर। नितिन जैन मुरैना, उसके बाद तैयार रहेंगे पंकज काला, डाली काला, इम्फाल। महाराज श्री मम मम परिवार तथा च मुरैना जैन समाज से कोटिशा नमोस्तु 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 आशीर्वाद अरस्तु। महाराज श्री रामायण में जो दो चरित्र थे, एक विभीषण और एक केकई। विभीषण रावण के राज्य में रहता था फिर भी नहीं बिगड़ा, और केकई राम के राज्य में रहती थी तब भी वो वहां नहीं सुधरी। तो जबकि कहते हैं धर्म क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है, संगति का प्रभाव पड़ता है, तो ऐसा कैसे हुआ महाराज जी? सब देखिए, आप लोगों ने कैकेयी के चरित्र को ठीक तरीके से नहीं पढ़ा। कैकेयी सबसे सुधरी भी थी, और मुझे मेरे लिए तो रामायण के पात्रों में कैकेयी मेरी प्रिय पात्र है। मैं तो कैकेयी को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि पूरे रामायण में कैकेयी ही एक ऐसे पात्र है जिन्होंने राम को राम बनाया। राम को राम बनाने का श्रेय अगर जाता है तो कैकेयी को, और उसके उसके पीछे मंथरा को। समझ गए? मंथरा ने कैकेयी को आपके शब्दों में भड़काया नहीं होता, और कैकेयी ने अपना कोप दिखाया नहीं होता तो राम का वनवास नहीं होता। मैं तो एक ही बात कहता हूं, आभार मानो कैकेयी का, जिसकी कृपा से राम बन गए, इसलिए राम राम बन गए। समझ गए? चलिए। पंकज काला, डाली काला, इम्फाल, गुणाचन ट्रस्टी, जिन्हें 52 चतुर्मास में पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की पीछी प्राप्त करने का, पुरानी पीछी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, एक बार अभिनंदन कर दीजिए हमारी पंकज काला, डाली काला। और इसके बाद तैयार रहेंगे आदित्य मनया जैन, कल्पतरु, साकेत नगर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में हमारा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, धर्म संस्कृति, धर्म दर्शन तथा संस्कृति का आपस में क्या संबंध है, तथा व्यक्ति के उत्थान में इन तीनों में से किसका सबसे ज्यादा योगदान रहता है? धर्म दर्शन और संस्कृति में आपसी संबंध क्या, और व्यक्ति के जीवनोत्थान में इनका क्या योगदान? देखिए, धर्म हमारे आचार्य का नाम है, और दर्शन उस विचार का नाम है जो हमारे आचार्य को प्रेरित करते हैं। धर्म और दर्शन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना आचार्य के विचार साकार नहीं होते, और बिना आचार विचार के आचार टिकते नहीं, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो दर्शन वैचारिक परिणति है और धर्म क्रियात्मक। जहां तक संस्कृति का सवाल है, संस्कृति में धर्म और दर्शन दोनों का समावेश है। संस्कृति शब्द बहुत व्यापक है। संस्कृति हमारे आचार विचार व्यवहार सबको साथ लेकर के चलती है। संस्कृति का मतलब क्या है? जो हमें संस्कार दे, जो हमें सुधार दे। अनगढ़ पड़े पत्थर को आकार देकर भगवान का रूप दे देना, ये संस्कृति है। पामर को परमेश्वर बना देना संस्कृति है। कंकर को शंकर बना देना संस्कृति है। तो संस्कृति उस परम तत्व का नाम है जो धीरे धीरे आगे बढ़ते है। ठीक है। ओम श्री आदित्य। हाँ बोलिए, डाली काला। हाँ डाली बोलो। नमस्ते महाराज। एक मिनट, अभी अभी 2 मिनट इनका प्रश्न है। नमोस्तु गुरुदेव।
गुरुदेव शास्त्रों में ये व्याख्या मिलती है कि इस काल के उत्तरोत्तर स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। तो गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि जब स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी, ये अगर शास्त्रों में व्याख्या है, तो हम इस स्थिति को सुधारने का मतलब प्रयास क्यों करते हैं, क्या औचित्य है हमारा? बिल्कुल हम सुधार भी नहीं सकते, बस हम ह्रास की गति को थोड़ा थाम सकते हैं। हमारा पतन होगा दिख रहा है, लेकिन कम से कम हम कुछ तो थामे, जितना बन सके उतना तो करें। ह्रास होना है पर उसकी गति को हम रोक सकते हैं, जितना संभव रोकें। उत्तरोत्तर बद से बदतर होगी, पर कम से कम हमारे सामने बदतर ना हो, बद ही बने रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इतना हमने संभाल लिया तो बहुत कुछ बेहतर घटित कर सकते हैं। आदित्य मनया जैन कल्पतरु साकेत नगर। आपको बता दूं कि हबीबगंज आचार्य श्री चतुर्मास में इन्हें आचार्य श्री की पीछे प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एक बार अभिनंदन। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती अर्पणा जैन, पाठशाला संचालिका साकेत नगर। महाराज श्री, देश में एक दुरा स्वप्न की तरह निर्भया केस हुआ था और उसमें लगातार चलते हुए भी फांसी नहीं हुई है। पूरी देश की जनता उद्वेलित है। क्या हम जैन धर्म के अनुसार माने कि उनकी मृत्यु का समय नहीं आया है या कहीं ना कहीं ढील हो रही है? कृपया देखिए, आपने एक ऐसा सवाल पूछा है, इस संदर्भ में मैंने अपना विचार पहले प्रकट कर दिया। जब मुझसे पूछा गया था कि फांसी जैसी सजा के विषय में आपकी क्या राय, तो मैं तो ऐसे भी फांसी जैसी सजा को बहुत अच्छी सजा नहीं मानता जी। और दुनिया के बहुत थोड़े से देशों में ही फांसी जैसी सजा का प्रावधान है। ये बात सही है कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया वो दरिंदगी भरा कृत्य था और ऐसे लोग कठोरतम दंड के भागी हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि उनको फांसी लगे और शीघ्र फांसी लगे। और आप जैसे लोगों से भी मैं कहूँगा कि भावना भाव वो दंडित हो पर फांसी से बच जाए, वो अपने जीवन को सुधारे और आगे दूसरे लोग भी सीख ले, ताकि इस तरह की दुष्प्रवृत्तियाँ ना हों। क्या उनकी जो मौत है, अब मैं बोल रहा हूँ ज्यादा, मेरी अनुमोदना उसमें मतलब श्रीमती अर्पणा जैन, पाठशाला संचालिका साकेत नगर। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रानी छाबड़ा, बाग सेवनिया। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। नमोस्तु महाराज श्री। हमारे यहाँ लौकिक शिक्षा के लिए अभिभावक तो बच्चों के लिए बहुत सुख सुविधाएं प्रदान कर देते हैं कि कोई एक्टिविटी कुछ सीखने जाना है या स्कूल है, कोचिंग है, इसके लिए जितना व्यय कर सकते हैं करते हैं। लेकिन कभी पाठशाला आने के लिए या पाठशाला के लिए कुछ अलग से थोड़ा बहुत भी है तो उसके लिए लोग कतराते हैं आने से भी, कि कौन लेकर आएगा, बच्चे कैसे आएंगे, अलग से पड़ता है। इसके लिए महाराज जी, हमारे समाज के लोगों के लिए थोड़ा सा दिशा निर्देश दीजिए। एक बात बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग धर्म को मानते जरूर हैं पर धर्म उनकी सबसे आखिरी प्रायोरिटी, आखिरी पायदान में रखते हैं। धर्म वो अंदर से नहीं करते, उनको रुचि नहीं लगती, सबसे फालतू का काम धर्म दिखता है। यही कारण है कि जब जब व्यस्तता बढ़ती सबसे पहले अपनी धार्मिक क्रियाओं में कटौती करने लगे हैं। इसे दूर करना चाहिए। आपको अगर स्कूल और स्कूल से जुड़ी शिक्षा की उपयोगिता प्रतीत होती है तो आपको चाहिए कि आप अपनी धार्मिक शिक्षा को भी पूरा ध्यान दें। स्कूल की शिक्षा में विफल होने वाला बच्चा फिर भी अपनी जिंदगी को चला सकता है, लेकिन धर्म शिक्षा में विफल व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। तो हमें उस सफलता का ध्यान रखना चाहिए और धार्मिकता की तरफ अपनी दृष्टि जानी चाहिए, उसे प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। मैं तो हमेशा लोगों से कहता हूँ, आप चाहते हो कि आपके बुढ़ापे में आपका बेटा आपकी तीर्थ यात्रा कराए, आप यदि चाहते हो कि बुढ़ापे में आपका बेटा आपकी तीर्थ यात्रा कराए तो बचपन में बच्चे को पाठशाला भेजा जाए, वहाँ संस्कार ग्रहण उसकी बहुत ज़रूरत है। इसके प्रति उदासीनता कतई उचित नहीं। जितनी स्कूली पढ़ाई और अन्य एक्टिविटीज की उपयोगिता है उससे कहीं ज़्यादा धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता है, जिससे उनका चरित्र निर्मल हो, सुरक्षित हो और जीवन पवित्र बने। इसलिए इनमें उदासीनता छोड़नी चाहिए और अच्छे तरीके से, मैं तो कहता हूँ पाठशाला की भी ड्रेस होनी चाहिए। पाठशाला के लिए भी आपको गाड़ियाँ प्रोवाइड करनी चाहिए, सुलभ कराते हैं, वैसे ही पाठशाला के लिए भी वाहन सुलभ कराना चाहिए। पाठशाला आके बच्चे प्रति बच्चों का वैसा उत्साह जगे। और आज के यहाँ ऐसे ही हैं,
भविष्य में आप अपने लिए बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार बनाए रखना चाहते हैं तो यही एक माध्यम है। अब तो घर परिवार में नानी दादी तो बची नहीं, तो यही एक व्यवस्था है। नहीं तो कल आपको बताना पड़ेगा कि तुम जैन हो। तो पाठशाला के प्रति उदासीनता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और पाठशाला बड़े आधुनिक तरीके से चलाना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ सर्व सुविधायुक्त पाठशाला चल रही है। मैं चाहूँगा हर बच्चे को पाठशाला भेजे और उन्हें केवल रटाए नहीं, उन्हें इस तरह का बोध दे जिससे उनका जीवन परिष्कृत हो। अभी प्रमाणिक समूह के द्वारा बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियां बनाई गई बहुत रोचक तरीके से, उन्हें भी आप लोग प्रोजेक्टर के थ्रू दिखा सकते हैं। एनिमेटेड कहानियां हैं, बच्चे बड़े रुचि से उन्हें सुनते हैं, देखते हैं, बहुत चीजें सीख सकते हैं। आज के समयानुरूप यदि हमने शिक्षा देना शुरू किया तो बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। श्रीमती रानी छावड़ा बाग शिवनिया, उसके बाद तैयार रहेंगे दीपेश जैन पत्रकार भोपाल। परम पूज्य द्वि महाराजों को त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री, अभी अभी कुछ दिन पूर्व हम विदेश यात्रा से लौटे हैं। उसी भ्रमण के दौरान विश्व की सबसे बड़ी जोमेरा मस्जिद का हमने बाहर से अवलोकन किया। महाराज श्री, हमने वहां देखा कि उसमें प्रवेश के नियम बड़े ही सख्त थे। महिलाएं सिर्फ अपना चेहरा दिखा सकती थी व बाकी पूरा शरीर वस्त्रों से ढका रहता था। सिख समाज में भी यही नियम है कि गुरुद्वारों में बगैर सिर ढके प्रवेश वर्जित है, जबकि हमारे जैन समाज में ऐसा कोई नियम नहीं है। हम त्रिलोकीनाथ के सम्मुख हम सभी स्त्री पुरुष कैसे भी वस्त्रों में मंदिर जी में प्रवेश कर जाते हैं। अतः महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैन समाज में भी ऐसा क्या नियम या कानून क्यों न बनाया जाए व उनका सख्ती से उन नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए, ताकि मंदिर जी की व जैन समाज की गरिमा बनी रहे। आपका मार्गदर्शन चाहिए महाराज जी। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सुझाव रखा है। ये सब काम होने चाहिए, पर मैं नियमों का पक्षधार नहीं हूं, मैं निष्ठा की बात करता हूं। हमारे खुद में ऐसी समझ होनी चाहिए कि हम मंदिर जा रहे तो कैसे जाए। अगर आपकी समझ होगी तो ये सब चीजें हो सकती है। भारत क्या, भारत से बाहर रहने वाले लोगों में भी मैंने देखा अनेक लोग हैं जो भारत से बाहर रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, मेरे पास आते हैं। एक परिवार आया, नाम भी ले लेता हूँ, US में एक चारू जैन है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले जी। वो मेरे पास आई, उनकी दो बेटियां थी। बड़ी बेटी कोई 14-15 साल की होगी और छोटी बेटी 11-12 साल की जी। मैंने देखा वो तीनों जितनी देर मेरे पास बैठे रहे, तीनों के सिर पे दुपट्टा था जी। ये संस्कार है, मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्हें पता है हमारी मर्यादा क्या है। मैं इससे बड़ा प्रभावित हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरु के पास, भगवान के पास जा रहे हैं तो कैसा होना चाहिए। बच्चियां थी, छोटी छोटी बच्चियां थी, अब तो बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं भी खुले सिर गुरुओं के पास रहती, कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, ये मर्यादाएं हैं, इसे हमें अपनाना चाहिए। मैंने जब उनसे पूछा ऐसा क्या, बोले महाराज जी, भले हम महीने में एक बार मंदिर जाते हैं पर वहां हम साड़ी पहन कर ही जाते हैं जी। वहां जाकर हम विशुद्ध भारतीय हो गए, वहां हमें अपनी भारतीय परंपरा पर गर्व होता है और लगता है कि हमारी मौलिक पहचान क्या है। तो ये हमें खुद ध्यान में रखना चाहिए, हमें अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखने की जवाबदारी रखनी चाहिए। बाकी आपकी अपनी लाइफ स्टाइल है, मैं कोई ड्रेस कोड घोषित नहीं करता, लेकिन हमारी अपनी मर्यादाएं, उन मर्यादाओं को सुरक्षित रखना हमारी जवाबदेही है। अमेरिका से एक मैसेज चला था 2017 में, नो शॉर्ट्स, मंदिरों में छोटे कपड़े पहन करके न जाए। ये अमेरिका में ही था, न्यूयॉर्क से ही चला था, वहां लोग परहेज करते हैं और भारत के लोग ज्यादा मॉडर्न हो गए, पाश्चात्य संस्कृति को अपना ज्यादा मॉडर्न होने के व्यामोह में
सब अंधानुकरण कर रहे हैं जी। आपको अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखना चाहिए, तभी आप कुछ पा पाओगे और आपकी छाप उन पर पड़ सकेगी। ओम। हाँ, दीपेश जैन, पत्रकार भोपाल। हेलो, नमोस्तु महाराज जी, दोनों मुनि राजो के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न धर्म रक्षा और आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस से जुड़ा हुआ है। जबलपुर से आई हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया आगे आएं और भाई आप लोग भैया उनको स्थान दे दीजिए ताकि वो मंच पर स्थान ग्रहण सकें। प्रतिभा स्त्री जी आई हैं, एक बार आप लोग और बच्चे भी इनका अभिनंदन कर दीजिए, बहुत संस्कार युक्त शिक्षा देने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। बहुत उपकार है इन दीदियों का हम पर, हमारे समाज के ऊपर। जो एक बच्चियां भी आज आ जाओ, आपको लिस्ट बनाई हो क्या? कौन आज थोड़ा कंजेस्टेड है, एडजस्ट हो जाओ थोड़ा सा, आप लोग भी जगह दीजिए। ओम, चलिए हाँ, बहनों को आ जाने दीजिए, आगे थोड़ी सी जगह दे दीजिए। चलिए ओम ओम, वाह। आगे आ जाइए आप लोग, आगे आ जाइए, आ जाइए थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। और थोड़ा जाड़ा है, कोई हर्जा नहीं है, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गई, बैठ जाइए तो कोई दिक्कत नहीं। ओ, जगह दीजिए। हाँ, जब तक आप सवाल कीजिए अपना, ये लोग आ जाएंगे। हाँ, समय का उपयोग। हाँ, हेलो जैन महाराज जी, धर्म रक्षा आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस से जुड़ा हुआ प्रश्न है। महाराज जी, इतने बड़े बड़े धर्मायतन बनाए जा रहे हैं, अच्छी बात है, और इनका संचालन आगे आने वाली युवा पीढ़ी को संचालन और संरक्षण करना है, जो कि आजकल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही है। तो मेरा मानना यह है कि महाराज जी, धर्मायतनों के साथ साथ जैन समाज को ऐसे विद्यालय भी बनाने चाहिए जहां पर अपनी उच्च श्रेणी की शिक्षा, जो अपने मिशनरी स्कूल में दी जाती है, उच्च श्रेणी इच्छा शिक्षा के साथ साथ अपने धर्म के एकाध पीरियड लगे, जिससे उनको ओ, हाँ, देखो दीदियों को आने दो जी, रास्ता दीजिए आप लोग। हाँ, आने दीजिए, आप बोलिए, आप अपना सवाल कीजिए। हाँ दिया जी, महाराज जी, इसका मैंने एक उदाहरण इंदौर में देखा है, सन्मति हायर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पर एडमिशन के लिए वेट लिस्ट में व्यक्ति रहता है और काफी वहाँ पर प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाकर एडमिशन होता है। और दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि धर्मशालाओं में व्यायामशाला क्या बना सकते हैं महाराज जी, क्योंकि मैंने नागपुर में एक उदाहरण देखा, वहां पर धर्मशाला के अंदर एक जिम भी बना हुआ था, तो वहां पर युवा एकत्रित होते हैं, धर्म से भी जुड़ते हैं। ओम, आपकी बात समझ लिया। तो महाराज जी, एक शॉर्ट में ये है, क्या देवालयों के साथ साथ विद्यालय एवं धर्मशालाओं के साथ साथ व्यायामशाला का समाज निर्माण कर सकता है क्या? बिल्कुल करना चाहिए, और ऐसा होता था। और जहां तक संस्कार युक्त पीढ़ी को जन्म देने का सवाल है, आज प्रतिभा स्थल की स्थली की बेटियां यहाँ बैठी है, ये आचार्य श्री की इसी दृष्टिकोण का परिणाम दिखा भाई, ये बेटियां जो प्रतिभा स्थली में पढ़ करके अपने जीवन का निर्माण कर रही है, और इन सबको तैयार करने में ये बहनें इतना बड़ा योगदान दे रही है, बहुत अनुकरणीय पहल है। आज वहाँ एडमिशन प्रवेश पाना बड़ा सरल नहीं होता, और जो बच्चियां वहां से पढ़ करके निकलती है, वो तप करके निखर करके निकलती है और अपनी एक अलग पहचान बना रही है। आपका ये प्रस्ताव है, देवालय के साथ विद्यालय और धर्मशाला के साथ व्यायामशाला कतई गलत नहीं है। हमारे समाज को और सर्वतोमुखी विकास के लिए इन सब बातों पर पहल करना चाहिए, अनेक स्थानों पर है, और हमें इस तरफ अपनी दृष्टि दौड़ानी चाहिए। मैं मानता हूँ डॉक्टर राजेश श्वेता जैन, नारायण नगर, जिन्हें आज गुरुदेव के पड़गाहन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, नारायण नगर प्रवेश के साथ ही श्री डॉक्टर राजेश जी, नहीं राजेश श्वेता, और राजेश श्वेता इंजीनियर। हाँ चलो, हाँ बोलो। नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, आज माताजी का मन हुआ था कि गुणायतन के लिए वो अपनी पेंशन से
प्रति महीने 11,000 रुपए जब तक उनका जीवन है तब तक 1 अप्रैल से देना चालू करेंगे। बहुत अच्छा, नमोस्तु नमोस्तु। सवाल नहीं है, चलिए ठीक है। बंधुओं आज हमारे बीच देखिए थोड़ा सा स्थान आज चुकी व्यवस्था की कमी के कारण संकीर्ण है। ये प्रतिभा स्थली की बच्ची आई है जी। पुरुष भाई थोड़े खड़े हो जाए साइड में, इन बेटियों को समय दें और थोड़ा साइड हो जाए, और हाँ थोड़े से कुछ लोग कम हो जाए, अपना काम है, आप बाहर से भी सुन सकते हैं। बच्चों को आने दो, हाँ बच्चे अपने प्रश्न करेंगे, जल्दी से आ जाए। जब तक दो चालू करवाता हूँ जब तक और का नाम। ओ बैठ जाए जल्दी से, जो जहां है वहीं बैठ जाए। हाँ दो जल्दी। हेलो हेलो। हाँ देखो कुछ है, ये बच्चियां हैं सवाल करेगी, तो अभी आज के सत्र को पहले बच्चियों के लिए, फिर नारायण साकेत नगर वाले और भोपाल वालों को तो अभी मौका मिलते रहना है। ये बच्चियां बहुत दूर से आई हैं, जबलपुर प्रतिभा स्थली की ये छात्राएं हैं और गुरुदेव के दर्शन के क्रम में यहाँ आई हैं, बहनें साथ में लेकर आई हैं। मैं चाहूंगा आगे के कुछ प्रश्न ये बेटियां अपनी तरफ से करना चाहेंगी तो करेगी, और उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। हाँ बोलो निष्ठी, एक काम करो अपना नाम बोलो और खुद वहीं से सवाल करो, वहीं पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ, अपना नाम बोलो सवाल करो, जिनको करना है 5-6 लोग कर लो, बाकी लोग बैठ जाइए आप लोग जैसी जगह मिले। हाँ प्रारंभ कीजिए। अमेरिका वालों को बोला बोला बुला दें। श्री रायचंद साहब जो यूएसए से पधारे हैं, कृपया बैठे रहे, भी आपका नंबर आने वाला है बच्चे के बाद। ओ बोलिए। हाँ बोलिए। शांति शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षेश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज की, मुनि पुंगव 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा नाम निष्ठा जैन है, मेरा प्रश्न है कि महाराज जी कई बार हमारे सामने ऐसी स्थिति आती है कि जहां हमें पता होता है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि हम कभी कभी चूक कर देते, गलती हो जाती है, तो महाराज जी ऐसी हम कैसे अपनी संकल्प शक्ति बढ़ाए कि ऐसी विषम परिस्थितियों में अपनी दृढ़ता को कायम रखें और सही मार्ग में चलें। बहुत अच्छा सवाल है। विषम परिस्थितियों में दृढ़ता को बनाए रखने के लिए क्या करें? देखो इसके लिए हमें अपने लिए कुछ साधना बढ़ानी होगी। भावना योग शिविर जिसकी अभी यहाँ 7 तारीख से शुरुआत हुई है, अमेरिका वाले जो है ना उनको दे दीजिए। विषम परिस्थितियों में दृढ़ता बनाए रखने के लिए एक कमांड अपने सबकॉन्शियस माइंड को दो, मुझे दृढ़ रहना है, मुझे दृढ़ रहना है, मुझे दृढ़ रहना है। ये वाक्य कम से कम 108 बार दोहराओ। जिनका संकल्प लचीला है, जो पल पल में डगमगा जाते हैं, मुझे दृढ़ रहना है या मुझे दृढ़ संकल्पी बनना है, ये ऑटो सजेशन अपने माइंड को दीजिए और उसके लिए कुछ और उपाय कीजिए। जैसे तुम बच्चों के लिए कह रहा हूं, अपनी कॉपी के ऊपर लिख लो, पुस्तकों के ऊपर रख लो, अपने डेस्क पर लिख लो, अपने सोने के कमरे में लिख लो। इसी तरह जो लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं, मोबाइल के रिंगटोन में डाल दो जो आप चाहते हैं वो कमांड, ताकि दिन भर में 100 बार अतिरिक्त रूप से वो आपके मानस में अंकित हो। और ये बातें जब सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगी तो कुछ भी मन डगमगाएगा तो अंदर से प्रेरणा आएगी, मुझे दृढ़ रहना है, आप में स्थिरता आ जाएगी। और ये अनुभूत प्रयोग है, इसका प्रयोग करना चाहिए। मैं पहले श्री रायचंद साहब जो यूएसए से आए हुए हैं उनको आमंत्रित करूंगा, उसके बाद हमारी बच्चियां तैयार रहेंगी। श्री रायचंद जी साहब के पास माइक भेजिए भाई। ओ हाँ
अभी उधर नहीं, अभी इधर जरूरत। ओम बोलिए। हेलो, नमोस्तु 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 महाराज। मेरे को दो प्रश्न पूछने का है, वन फॉर साइकोलॉजी और वन फॉर रिलीजियस। साइकोलॉजी में मैंने मार्क किया कि हर मनुष्य में फोर पर्सनालिटी होती है। एक तो वो जज होता है, एक आरोपी होता है, एक वकील होता है, वकील होता है, वो चौथा गवाह होता है। गवाह बोला बिकॉज आई डोंट नो द हिंदी वर्ड, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ, हम इसलिए तो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बोलिए। मैं आपके बोलने से पहले समझ जाता हूँ आप क्या बोलने जा रहे हैं। तो वो चारों जो साइकोलॉजिकल वो हर एक मनुष्य में को क्यों होता है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। और सेकंड रिलीजियसली है कि जब भी अपन नमोस्तु बोलते हैं 1452 गणधर देव और सबको, तो उसका नमन कैसे होता है? देखिए, दूसरा सवाल तो यह है कि हम जितने भी गणधरों को नमन करते हैं, ये भाव नमस्कार है। हमें उनका नाम पता नहीं है, लेकिन हमने कह दिया तो हमारा नमस्कार हो गया। मजदूरों के 458 जिनालियों को हम नमन करते हैं, हाँ। तो नाम उल्लेख करने मात्र से हो जाता है। हम 3 करोड़ मणि राजों को कहते हैं, तो ये भाव नमस्कार हमारा हो जाता है और उससे काम हो जाता है। आपका जो पहला सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि हर व्यक्ति के भीतर 4 अलग अलग पर्सनालिटी है, जज, आरोपी, वकील और गवाह। और ये चारों अपने अपने तरीके से सक्रिय होते हैं। ये क्यों होता है? ये व्यक्तित्व के हिस्से हैं। हर व्यक्ति अपने संदर्भ में जब कभी भी कोई बात होती है तो अपना फैसला खुद लेता है, और अपने फैसले के लिए जो तर्क लेता है वो उसकी वकालत का रूप बनता है, और उसमें जो उदाहरण जोड़ता है वो उसके गवाह बन जाते हैं। नतीजा ये होता है कि जब खुद ही जज बनो, खुद ही वकील बनो, खुद ही आरोपी गवाह बन जाओ, तो आरोपी हमेशा मुक्त हो जाता है। और ये हमारे अंदर के व्यक्तित्व को कमजोर बनाते हैं। हमें कायदे से इसे बहुत गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में बड़ा अंतर होता है, एक सामान्य व्यक्ति और एक आध्यात्मिक व्यक्ति में बड़ा अंतर होता है। सामान्य व्यक्ति यदि कोई गलत कार्य करता है तो उसे अपनी गलती का एहसास बहुत कम होता है, और प्रायः वह अपनी गलतियों को सही साबित करने के लिए अपना पक्ष खड़ा करता है। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, उसके पूरे के पूरी भावदशा में, उसके मूड में एक चेंज आता है कि जब कभी उससे कोई गलती होती है तो वो सबसे पहले अपने आप को आरोपी मानता है, और आरोपी मानने के बाद वह उसका प्रायश्चित करना चाहता है, मन में उसका पश्चाताप होता है, और वो अपने आरोप को जिस स्तर का आरोप है, जिस स्तर का पाप है, उस स्तर का प्रायश्चित करके अपने जीवन को सुधारना चाहता है। तो जो इगोइस्ट होंगे वो अपने गलत पक्ष को भी सही साबित करेंगे, और जो आध्यात्मिक होंगे वो गलती करने पर अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ये मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसमें उसकी चारों प्रकार की परिणतियाँ होती हैं, पर यदि इस परिणति को वो सही दिशा में ले जाए तो बहुत आगे बढ़ेगा, और गलत दिशा में लेगा तो बहुत नीचे गिरेगा। अंगुलीमाल ने जिस दिन ये सोचा कि मैं गलत हूँ, मुझे बदलना चाहिए, पहले उसने अपने आप को आरोपी माना, पापी माना, और उसके अंदर आत्मग्लानि हुई, तत्क्षण उसने अपना रास्ता बदल दिया। और एक अपराधी व्यक्ति जो अपराध को ही अपना धंधा मान करके बैठता है, वो अपने अपराध को सही साबित करने में अपनी शक्ति लगाता है, तो वो व्यक्ति कभी सुधर नहीं सकता। हाँ बोलिए। जनरली पब्लिक में
बेनिफिट ऑफ डाउट्स में वो क्यों नहीं करते कि सपोज के कुछ हुआ? इसलिए कि उसकी जो सोच है वो पूरी तरह से अपन कह सकते हैं भौतिक है, वो मटेरियलिस्टिक सोच है। जब तक स्पिरिचुअलिटी मनुष्य के अंदर नहीं आती तब तक ये परिवर्तन नहीं हो सकता। क्लियर? ओके, एनी मोर क्वेश्चन? नो, थैंक यू। हाँ, अब हमारी बच्चियां जो पूछना चाहती हैं सीधा से खड़े होकर अपना नाम बोलते हुए प्रश्न करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मैं निमिषा सोधिया। मेरा प्रश्न है, आज के युग में हम टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने देश को समृद्ध बनाना चाहते हैं तो हमें वापस अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को अपनाना होगा। लेकिन महर्षि, क्या आज इस दर पर आकर हम अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को अपना पाएंगे? और अगर अपना पाए तो क्या उतने ही समृद्ध वापस बन पाएंगे? बहुत अच्छा सवाल। क्या हम अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को अपना पाएंगे, और अपना पाए तो क्या उसी समृद्धि तक पहुंच पाएंगे, उसी ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये मानता हूं कि टेक्नोलॉजी हमारी संस्कृति और सभ्यता के विकास में कहीं बाधक नहीं है, बल्कि कई अर्थों में साधक भी है। हम अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की दुहाई देते हुए अगर आधुनिक तकनीक का, टेक्नोलॉजी का विरोध करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है हम कुछ ज़्यादती कर रहे हैं। हमें समय के अनुरूप चलना चाहिए और टेक्नोलॉजी का प्रयोग अपनी संस्कृति के विकास में करना चाहिए। आज हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने संस्कृति का प्रसार कर सकते हैं। जैसे अभी आप ये सवाल कर रही हैं, मैं उत्तर दे रहा हूँ, पूरा विश्व इससे लाभान्वित हो रहा है। ये टेक्नोलॉजी का ही तो माध्यम है। अगर इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं होता तो दुनिया के लोग कैसे समझते हैं? तो टेक्नोलॉजी का विरोध करना मेरी राय में बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग से बचने की सीख देना बहुत जरूरी है। और आज टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी तो प्राचीन काल में भी थी। हम अपने पुराणों और शास्त्रों को पढ़ते हैं तो वहां बहुत सारी ऐसी बातें दिखती है जो आज भी विकसित नहीं हो पाई। टेक्नोलॉजी का सिस्टम था, रडार सिस्टम भी पहले लगे हुए थे, ये सारी व्यवस्थाएं थी, सारा सिस्टम हाईटेक था। आज समय बदला है तो हमें समय के साथ कदम ताल करके चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। बस केवल एक ही सावधानी रखनी चाहिए कि हम अपनी मौलिकता को न खोएं। आधुनिकता कतई बुरी नहीं है, आधुनिकता में काल की चेतना सन्निहित होती है, लेकिन तभी जब हम आधुनिकता के साथ अपनी मौलिकता को सुरक्षित रखें। जो आधुनिकता की अंधी दौड़ में अपनी मौलिकता को खो देते हैं वो कहीं के नहीं रहते। इसलिए हम, आपने जो सवाल किया, क्या हम आज के इस दौर में पुरानी सभ्यता और संस्कृति को अपनाकर उस ऊंचाई को छू पाएंगे, निसंशय छू पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारी संस्कृति और सभ्यता में वे गुण हैं जो हमें बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, टिका सकते हैं। हाँ, नई तकनीक का जहां तक सवाल है उसे अपनाने में कोई हर्ज नहीं। और कहीं बच्चियां, बस किसी को पूछना है? हाँ, अभी आप लोगों का नंबर आज नहीं है, आप श्रोता में हैं। ओम, अभी रुको। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, हमें जो भी कोई नया मोटिवेशन मिलता है तो वो कुछ समय के लिए बस होता है, तो ऐसा क्यों होता है? फिर से बोलना। जो भी हमें कोई मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, वो बस कुछ ही समय के लिए होती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, मोटिवेशन दिया ही जाता है कुछ समय के लिए। गाड़ी में किक मारा जाता है तो कितनी देर के लिए मारा जाता है? स्कूटर चलाया, बाइक चलाया ना, किक मारते हैं ना, कितनी देर के लिए? थोड़ी सी देर के लिए। मतलब कोई आदमी बार बार किक मारते रहे तो उसको क्या कहेंगे? तो किक तो एक मोमेंट के लिए मारते, किक मारो, गाड़ी स्टार्ट करो, चल दो, मोटिवेशन की जरूरत क्या है? समझ गए ना? तो बस एक क्षण के मोटिवेशन से जो अपने आप को सक्रिय कर लेता है वो ऊंचाई छू लेता है, और जो वही रह जाता है वो कहीं जाने। और कोई बच्चियां पूछनी चाहती हैं? हाँ, अपना हाथ पहले से उठा देना। हाँ, उठा दो। कोई प्रश्न? नमोस्तु महाराज जी।
मेरा नाम आंशी जैन है। मेरा प्रश्न ये है, जब भी हम कोई वर्क करने का सोचते हैं, हम पहले ही नेगेटिव हो जाते हैं। हम सोचते होगा कि नहीं होगा, हम कैसे पॉजिटिव हुए, कैसे पॉजिटिविटी बढ़ाए अपनी। बहुत सुंदर, अच्छा सवाल है। होगा कि नहीं होगा, ये सोचने वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे क्या करना है ये सोचना शुरू कर दो, सब हो जाएगा। हमेशा माइंड में एक बात रखो, मैं क्या कर सकूंगा ये मेरा सवाल नहीं, मुझे क्या करना है ये मेरा सवाल है। जो करना है वो टारगेट को सामने रख करके चलो। मैं हमेशा जब कभी कोई काम करना होता, कोई डिसीजन लेते हैं, तो मैं ये नहीं सोचता कि ये कैसे होगा या क्या होगा। क्या करना है पहले ये देखो, और जो करना है उसे कैसे सफल करना है ये सोचो, सारा रास्ता अपने आप हो जाएगा। तो हमेशा सबको मैं कहूंगा, जब मन में दुविधा आने लगे कि मैं कर सकूंगा या नहीं, इसे हटाओ, एक ही बात दोहराओ, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तुम जैसे छात्रों के लिए, जैसा अभी मुझे बताया और दिख भी रहा है, सब 12वीं क्लास की छात्राएं बैठी है, सब टोटल प्रतिभा स्थली की, और आगे एग्जाम बोर्ड का आने वाला है ना, तो एग्जाम का सबको डर रहता होगा, पेपर लिख सकेंगे कि नहीं लिख सकेंगे, होता है ना। तो जब भी ऐसा डर आए, नहीं मैंने साल भर पढ़ाई की है, मैं लिखूंगा, डरने का क्या काम। मुझे आता है क्योंकि मैंने पढ़ा है, और जो आता है वो मैं लिखूंगा, ये सोच अपने मन में आनी चाहिए, डर अपने आप दूर हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। और कहीं नमोस्तु महर्षि जी, मेरा नाम सिद्धि जैन है। मेरा प्रश्न है, कर्तव्य करने से कर्मों की निजरा होती है, उसी प्रकार जज अपना डिसीजन सुनाकर अपराधी को फांसी देता है और चांडाल फांसी देकर अपना कर्तव्य पूरा करता है, तो ऐसे में उसे कर्म बंद होता है या उसकी कर्मों की निजरा होती है। बहुत अच्छा सवाल किया। कर्तव्य करने से कर्मों की निजरा होती है, जज ने किसी को फांसी की सजा दी, उसने अपना कर्तव्य किया, चांडाल ने उसे सूली पर चढ़ाया, उसने अपना कर्तव्य किया। आपने पूछा है ये बंद होता है या निर्जरा होती है। देखिए, जज ने अपने कर्तव्य का पालन किया, न्यायाधीश होने के कारण न्यायाधीश का उसने धर्म निभाया, और चांडाल ने जज के आदेश का अनुपालन किया, यह उसका कर्तव्य था, तो उसने कोई अधर्म तो नहीं किया, समझ गए। उसने अपने अपने धर्म का पालन किया है, तो इसे पुण्य और पाप के बंध से जोड़ने की बात तो मैं नहीं कहूँगा। मैं ये नहीं कह सकता कि ऐसा करने वाला पुण्य का भागी हुआ, लेकिन उसने अपने राज कर्तव्यों का पालन किया है जिसका वो दायित्व उसके पास था। जज जब कभी जज के पद पर बैठता है तो संकल्पित होता है कि मैं कानून के प्रावधानों के अनुसार न्याय दूंगा, और यदि उसने कानून के प्रावधान अनुसार न्याय दिया है तो उसने अपना धर्म निभाया है, अधर्म नहीं, इसलिए वो पाप का भागी तो नहीं है। और चांडाल ने जज के आदेश का पालन किया है, इसलिए उसे भी हम पाप का भागी तो नहीं कहेंगे, पर मुझसे पूछो पुण्य का भागी, इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकेंगे। और कहीं चलो, चलिए बंधुओं, एक बोल रही है, एक है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं सेजल, मेरा प्रश्न ये है, महाराज जी कहते हैं कि जो हम प्रकृति के बारे में सोचते हैं, यदि हम सकारात्मक सोचते हैं और वो हम पाने की कोशिश करते हैं तो वो हमें मिलता है, पर यदि हम उसको सकारात्मक सोचें लेकिन वो हमें मिले ना, तो वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है कि मैंने इतना सोचा, अपनी पूरी मेहनत की लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, तो उसके बाद वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि उसके पास कुछ, मतलब उसको वो सोच ही नहीं सकता कि वो क्या करे। देखो, सोचना और अपेक्षा रखना, इसमें बड़ा अंतर है। मैं सोच रहा हूं मुझे मिलेगा, मैं प्रयास कर रहा हूं मुझे मिलेगा, ये सकारात्मकता है, आज नहीं मिला कल मिलेगा, समझ गए। ठीक है, हमारे लिए कुछ तो मिला, हमने सोचा, जैसे तुम लोग एग्जाम के बारे में सोचते हो, हम किसी में
90 मार्क्स लाना चाह रहे थे, 75 मिला। जो पॉजिटिव सोचने वाला है वो सोचेगा 90 की मैंने कोशिश की थी, 75 मिला है, 15 कम मिले हैं, हो सकता है मैंने कुछ कमी कर दी होगी, एक बार मुझे रिचेक करना है, अगली बार मैं फिर प्रयास करूं और अगली बार 90 से भी प्लस लाने का प्रयास करूं। और अगर नेगेटिविटी साथ में होगी तो वो घबरा जाएंगे, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ पक्षपात हुआ, जरूर मेरे साथ कोई छल हुआ होगा, अब मैं क्या करूं, मेरी सहेलियों को 75 से भी प्लस आ गया, मैं पीछे रह गई, मैं टॉप में रहने वाली, अब पीछे कैसे रहूंगी, ये नेगेटिविटी है, समझ गए। तो उस तरह की नेगेटिविटी को जो हावी रखेगा वो डिप्रेशन का शिकार होगा, और जो पॉजिटिव होगा वो परिणाम को एक्सेप्ट करेगा, पहले तो जो रिजल्ट आया उसको एक्सेप्ट करो, और आए हुए रिजल्ट को एक्सेप्ट करने के बाद आगे के लिए जितना अच्छा एफर्ट कर सके वो कर, ठीक है। बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विधि थी कि आगामी 7, 8, 9 फरवरी को यहाँ भावना योग शिविर का वृहद आयोजन हो रहा है, मैं उस आयोजन समिति के और स्थानीय साकेत नगर के अध्यक्ष नरेंद्र जी टोंगिया को आमंत्रित कर रहा हूँ अपनी कमेटी के साथ कि वो भावना आगामी भावना योग के बारे में लोगों को अपनी जानकारी दें। बहुत ही अच्छी संख्या में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और कुछ बाहर के रजिस्ट्रेशन भी आ रहे हैं। हमारे मुनिश्री जी का आज कहना पड़ रहा है कि बाहर वालों को थोड़ा सा रोको और लोकल वालों को चांसेस ज़्यादा दो। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराए हैं वो तुरंत कल तक रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि कल शाम तक ही हम इसका रजिस्ट्रेशन खोल के रखे हैं, परसों से हो सकता है कि हम इसको बंद करें, तो हम बाहर वालों को या तो फिर बाहर वालों को चांस देंगे और यहाँ को बंद करेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पहले बाहर वालों को हम बंद करें और लोकल को चांसेस हम ज़्यादा दें। तो रजिस्ट्रेशन आप सब ज़्यादा से ज़्यादा करा लें, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन अपने आसपास वालों का, अजेंट लोगों का ज्यादा से ज्यादा कराएं। मतलब अभी यहां पे किन किन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, हाथ ऊंचा करें। अभी तो वास्तव में अभी वो यहां के लोकल लोग भी काफी बचे हैं, तो रजिस्ट्रेशन आप लोग सब ज्यादा से ज्यादा करा लें। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग दूर से आ रहे हैं, अगर वहां के मंदिर के अध्यक्ष लोग अगर हमको बतला दे कि वहां पर कितने संख्या में वहां के लोग हैं, तो हम लोग उन लोगों के लिए आने के लिए गाड़ी की व्यवस्था भी हम कर देंगे। तो आप लोग जरूर जितने भी यहाँ पे समाज के लोग यहाँ आए हैं, तो सुबह 6:30 बजे का दूसरे समाज के लोगों के लिए भी हम व्यवस्था कर देंगे। अगर आप वहां आप हमें बतला दें कि कितने संख्या में आप लोग वहां से आना चाहते हैं और कितने वहां अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, तो हम वहां उनसे यहाँ के आने और जाने की गाड़ी की व्यवस्था भी कर देंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात है, मैं देख रहा हूँ भावना योग के लिए पूरे के पूरे भोपाल वासियों का अद्भुत उत्साह है और साकेत नगर का तो उत्साह है ही। इसी उत्साह का परिणाम है कि आज का यह शंका समाधान तो अप्रत्याशित मिल गया है। आपको तो उम्मीद भी नहीं थी, गाड़ी बिफोर आ गई, और यह प्रयास इसका आप लाभ ले रहे हैं। जो भी लोग इस भावना योग में सम्मिलित हो रहे हैं, इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, भावना योग को जन जन के कल्याण के एक अभिनव प्रयोग के रूप में ले। आप सब आ रहे हैं, इसे केवल जैनों के आयोजन के रूप में सीमित न करें, मैं चाहता हूं इसे जन जन से जुड़े। इसलिए जैसा मुझे बताया गया कि जो इनका टारगेट था उस हिसाब से तो काफ़ी संख्या में लोगों के नाम आ गए हैं, और मुझे पूरा पहले से मैंने कहा था जो तुम टारगेट दोगे उससे प्लस जाएंगे लोग, और लोग आएंगे, लेकिन अभी कसर मत छोड़िए। यह जैन धर्म की प्रभावना का एक अद्भुत अवसर है और लोगों के जीवन के रूपांतरण का एक अवसर है, आप सब लाभ उठाएं, और तय समय पर आप अगर अपनी सहभागिता देंगे तो आपको लाभ मिलेगा। 7 बजे से 9 बजे तक का 2 घंटे का कार्यक्रम है, और इस 2 घंटे में आप 3 दिनों में अपने जीवन के बदलाव का वह अपूर्व सूत्र प्राप्त करेंगे जो जीवन भर के लिए लाभान्वित करेगा। बस मैं इस बात को यहाँ रोकूंगा। अभी आप सब प्रतिभा स्थली की बच्चियों के सवाल कर सुन रहे थे, ये बच्चियों का जीवन किस तरह से गढ़ा आपने इनकी भावाभिव्यक्ति से समझ लिया होगा। मुझे अभी बताया गया एक बहन अपने वक्तव्य भी प्रकट करना चाहते हैं, पहले वो कर लें। पहले जबलपुर प्रतिभा स्थली की सबसे बड़ी दीदी जो प्रीति दीदी हैं, जो सबसे बड़े शहर की रहने वाली हैं मुंबई, एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए हमारी प्रीति दीदी का। प
पंख नहीं पंकज बनू, मुक्ता बनू नसीब, दीप बनू जलता रहूं गुरुपद पद्म समीप। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान ने की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूजनीय माँ आदर्शमती माता जी की, आचार्य संघ की, प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ, संत शिरोमणि राष्ट्र संत आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के दूरदृष्टि की फलश्रुति है। नर्मदा के नरम तट पर 2006 में 40 छात्राओं के साथ एक छोटा सा दयोदय की मिट्टी में एक बीज बोया गया संस्कारों का, और ये गुरु की दीर्घ दृष्टि थी, उनकी करुणा थी कि समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना होगा, यहाँ की कन्याओं को सुशिक्षित होने के साथ साथ सुसंस्कारित भी होना आवश्यक है। उस 2006 में 40 छात्राओं के साथ ये जो कार्यक्रम की शुरुआत की गई, शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई, वो गुरुवर के आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से आज एक नहीं 5 प्रतिभा स्थली, 40 छात्राओं के स्थान पर 1900 छात्राएं आज 5 प्रतिभा स्थली में सुसंस्कारित हो रही है। यहाँ से संस्कार लेकर के इस प्रतिभा स्थली में त्रिवेणी संगम है भाषाओं का। संस्कृत भाषा जो हमारी प्राचीन भाषा है जिसमें हमारे शास्त्र लिखे गए हैं, हिंदी भाषा जो हमारी राष्ट्रभाषा है, जो हमारी मातृभाषा है, और इसके साथ साथ विदेशी भाषा अंग्रेजी भाषा जो भी हमें कहीं कहीं उच्च शिक्षण के लिए आवश्यक है, इन तीनों भाषाओं का यहाँ पर त्रिवेणी संगम है। अध्ययन के साथ साथ तकनीकी जो आज की सारी CBSE अफिलिएटेड स्कूल्स में चलती है, ये सारी तकनीकी का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है, और छात्राओं के बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास के लिए, और गुरुजी का कहना है कि यहाँ आदर्श नागरिक का निर्माण करें, यहाँ की छात्राएं केवल अपने लिए नहीं लेकिन सबके लिए जीना सीखे, ऐसे तकनीकी का अर्थ का उपार्जन केवल नहीं शिक्षण के साथ साथ अर्थ का सदुपयोग भी यहाँ पर सिखाया जाता है। यहाँ जीवन का केवल निर्वाह नहीं लेकिन जीवन का निर्माण करने की प्रक्रिया, ये गुरुजी का आशीर्वाद है। इसके साथ साथ गुरुजी ने यहाँ पर हस्तशिल्प है, चल चरखा है, हथकरघा है, और ऐसे प्रकल्पों को यहाँ पर गुरुजी ने प्रेरणा दी है जिसके कारण छात्राएं अपने पैरों पर खड़े हो सकर और स्वावलंबन की शिक्षाएं ले सके। आज प्रतिभा स्थली से, जबलपुर प्रतिभा स्थली से छात्राएं निकल करके CA, सिविल जज, इंजीनियर, और कई छात्राएं, कुछ छात्राओं ने इस मोक्ष मार्ग में भी अपने कदम बढ़ाए हैं। जो गुरुजी की ये भावना थी कि यहाँ से जो छात्राएं निकले वो समाज को भी सुदृढ़ बनाए और राष्ट्र को भी उन्नति के मार्ग पर आगे ले जाए, इसी संस्कारों को आज प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ इस संस्कारों के सौरभ को फैलाने का प्रयास कर रही है। और इसके साथ साथ पूर्णायु चिकित्सा सेवा और शिक्षण और चिकित्सा, ये समाज के दो आधार स्तंभ गुरुजी ने सोचे हैं, अगर ये सुदृढ़ हो गए तो समाज सुदृढ़ हो जाएगा, इसलिए इसके साथ साथ जबलपुर में पूर्णायु अनुसंधान केंद्र जहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर कुछ ऐसे प्रयोग किए जाएंगे जिसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ तन मन धन वन वचन और अंत में चेतन को स्वस्थ बनाने का गुरुजी का बहुत बड़ा प्रकल्प है। सबसे मुख्य रूप से चेतन को स्वस्थ बना करके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गुरुजी का आशीर्वाद है, और हम सभी 300 प्रतिभा मंडल की बहनों का ये सौभाग्य है कि इस सेवा में हमें भी, इस गुरुजी के इस पवित्र यज्ञ में हमें भी अपनी संविधा डालने का मौका मिला। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, और 1900 छात्राएं, हम ये कह सकते हैं आज 11वीं और 12वीं कक्षा की छात्राओं की परीक्षा जो शाला में होती है उसमें कोई परीक्षा निरीक्षक नहीं होता, क्योंकि उनका स्वयं का आत्मानुशासन वहां पर चलता है।
दूसरी कक्षा की दूसरे विद्यालय के बोर्ड की परीक्षा भी जहाँ देने जाते हैं वहाँ भी वहाँ की शिक्षिकाएं उनकी कक्षा से बाहर निकल जाती है, क्योंकि छात्राएं तीन चीजों को केवल देखती है, एक अपना प्रश्न पत्र, एक उत्तर पत्रिका और तीसरी गुरुजी की तस्वीर जो उनको प्रेरणा देती है और प्रामाणिकता के साथ वो अपनी परीक्षाएं। महाराज जी, छात्रा भी कुछ अपने भाव व्यक्त करना चाहती है। एक और, इस वर्ष गुरुजी चाहते हैं यहाँ पर जो आवासीय विद्यालय रखा है उसमें केवल अब अगले साल से चौथी कक्षा में ही प्रवेश होगा। गुरुजी चाहते हैं, अन्य विद्यालयों में तो 8 घंटे का अध्ययन होता है लेकिन प्रतिभा स्थली में 24 घंटे का अध्ययन होता है, इसलिए चौथी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक 9 वर्ष तक छात्राओं को ऐसा अध्ययन यहाँ पर संस्कार मिले, इसलिए चौथी कक्षा में ही केवल अगले वर्ष से केवल चौथी कक्षा में ही छात्राओं को प्रवेश मिल पाएगा। बहुत अच्छा आपने कहा, बस एक मिनट में बात कहूंगा बीच में। चौथी कक्षा में आप अपनी बच्ची को भेजोगे तो घबराना नहीं, माँ बाप से दूर न हो जाए। एक माँ से बच्ची छूटेगी और वहां अनेक माँ का आंचल उनको मिलेगा। ये बहने उन बच्चियों को जिस तरह से तैयार करती है, संस्कारी देती, माँ से भी वो शिक्षा और वैसी प्रेरणा, वैसे संस्कार नहीं मिलते जो इन लोगों से मिलता है। इन लोगों का बहुत बड़ा त्याग है और गुरुदेव की बहुत दीर्घ दृष्टि का परिणाम है। इन सबको मोक्ष मार्ग में न बढ़ाकर जीवन निर्माण के कार्य में लगाया है, ये बहुत अच्छा है। आपको चाहिए कि उसी अनुरूप करें। और गुरुदेव का यही कहना होता है कि बच्चियां ज्यादा बड़ी हो जाती है तो उनको संस्कारों का बीजारोपण करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए चौथी क्लास से अगर कहा है तो आप जो भी अपनी बच्चियों के भविष्य को संभालना चाहते हैं वे इनमें जरूर अपने बच्चों का प्रवेश दिलाएं। बोलो भाई। पुलिस संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। महाराज जी, आज हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि हम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के द्वारा संचालित प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में पढ़ रहे हैं, जहाँ शिक्षा का उद्देश्य हित का सृजन व अहित का विसर्जन करना है, जहाँ जीवन का निर्वाह नहीं निर्माण होता है, जहाँ हमें ये सिखाया जाता है कि बाहरी आकर्षण से बढ़कर हमारी अंदर की सच्चाई व सत्यता है, जहाँ लौकिक शिक्षा के साथ साथ हमें संस्कारों के साथ जीवन में आने वाली प्रत्येक परिस्थिति को कैसे देखना है, उस नजरिए को कैसे बदलना है, ये सब हमें वहाँ सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ अनुशासन नहीं है, पर कठोर अनुशासन से बढ़कर आत्म अनुशासन यहाँ का प्रत्येक छात्र अपने हृदय में धारण करना चाहता है। हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ हमारा ये विद्यालय पुनः भारत को स्थापित करने का संकल्प ले चुका है, जहाँ जैसा कि दीदी ने बताया, हथकरघा मरुदेवी शिल्प से मदद से हमारे भविष्य के निर्माण की नींव रखी जा रही है। नर्मदा के तट पर दुनिया से हटकर स्थित हमारा ये विद्यालय चौथी कक्षा से प्रारंभ 12वीं कक्षा तक हमें दृढ़, साहसी व सच्चा व अच्छा इंसान बनाने की कला सिखाता है। महाराज जी, हमने महावीर को तो नहीं देखा, पर हम वो कैसे होंगे ये हम आचार्य ऋषि जी की छवि में देखते हैं, जिनकी ज्ञान ख्याति को शब्दों में बांधना तो असंभव ही है, जिनकी तप साधना शौर्य वीरता से आज पूरे भारत का भाल ऊंचा है, जिनको ये देखने मात्र से प्राणी के अंदर सकारात्मकता की संचार होने लगता है, जिनकी चर्या से सिर्फ ज्ञान सागर महाराज जी नहीं पूरा भारत देश गौरवान्वित है, ऐसे आचार्य भगवान का आशीष हम सदैव हम सभी छात्राएं अपने सर पर चाहते हैं और हमेशा प्रतिभा स्थली से अपने आप को जोड़ने का भाव रखते हैं। और महाराज जी, हम आपसे भी यही आशीर्वाद चाहते हैं कि आगे